नमस्कार, बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI भारत में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिशों में जुटी है और उसके निशाने पर बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनें हैं और इन ट्रेनों में बड़ी संख्या में मजदूर सफर करते हैं, इसी वजह से ट्रेनों में खासी भीड़ होती है। लिहाजा ISI ने इन ट्रेनों में टाइमर के जरिए ब्लास्ट करने की साजिश रची है ताकि जान माल का नुकसान ज़्यादा हो। इस बात का खुलासा किया गया है जब बिहार रेल पुलिस का एक डिपार्टमेंटल लेटर जारी किया गया। अगली खबर दोस्तों, बिहार में जनता दल यूनाइटेड चुनाव मोड में नजर आने लगी है। विपक्ष के लगातार हमलों के बीच जनता दल यूनाइटेड ने कुछ नए कदम उठाए। JDU की 3 गतिविधियों की सियासी हलके में भी चर्चा है और जिससे उसके चुनावी मोड में होने के संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल बाद जनता दरबार शुरू कर दिया और उन्होंने कल जनता दरबार में देखा कि अफसरशाही का हाल किस बिहार में कैसा है। अगली खबर दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान अपनी इमेज बदलने में जुटे हैं। चाचा पशुपति पारस और बाकी 4 सांसदों से धोखा जाने खाने के बाद वो अब खुद को बदलने में लगे हैं। ज़्यादा समय बिहार में बिताने की रणनीति बना रहे और इसके लिए पार्टी के नेताओं ने एक खाका भी तैयार कर लिया। चिराग अब तक दिल्ली में ज़्यादा समय गुजारते रहे। LJP के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने बातचीत में कहा कि चिराग पासवान बिहार से ही अब काम करेंगे, पटना में रहकर अपना पैर जमाएंगे। अगली खबर दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सियासत गर्म है। बिहार की 2 सत्ताधारी पार्टियां JDU BJP अलग अलग रुख अपना रही और पटना पहुंचे देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की देश को सख्त जरूरत है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है, उनको धन्यवाद, उन्हें सफलता भी मिलेगी। और कहा कि अभी देश में जनसंख्या विषय पर अवलोकन की जरूरत है, उस पर जो विचार होगा इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, बिहार पिछले एक सप्ताह से चल रही प्रारंभिक कक्षाओं के लिए शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग पर TET शिक्षक संघ ने असंतोष प्रकट किया है। काउंसलिंग प्रक्रिया को अव्यवस्थित और अभ्यर्थियों को परेशान करने वाला कहा, साथ ही इस काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को आ रही विभिन्न समस्याओं के समाधान की भी मांग की है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटें खाली रह जाने पर भी सवाल उठ रहे। अगली खबर दोस्तों, बिहार में कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक नियोजन अंतर्गत पंचायत नियोजन में 12 जुलाई 2021 के तक काउंसलिंग प्रक्रिया चली। बिहार के 38 जिलों में कुल 20,803 पदों पर नियोजन की चली प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 12,209 रही। 8,594 सीटें खाली रह गई। राज्य की 4,412 पंचायत नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की प्रक्रिया चली है। ज़्यादातर जिलों में काउंसलिंग की स्थिति यह है कि कुल पदों की आधी सीटें खाली रह गई है। सीटें खाली रहने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठ रहे। अगली खबर दोस्तों, 15 जुलाई 2021 को वैशाली के पानापुर सिलोधर निवासी बालदेव पासवान की पुत्री अमृता राज भारती की शादी सिवान जिले के शिवपुर सकरा के महमूदपुर गांव निवासी अभय पासवान के पुत्र अनुपम पासवान के साथ होगी। शादी का कार्ड लड़का पक्ष की ओर से बालदेव पासवान के घर पहुंचा है। कार्ड पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, उनके पुत्र चिराग पासवान की तस्वीर छपी हुई थी। चिराग पासवान द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में दिए गए स्लोगन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भी कार्ड पर छपवाया गया है। अगली खबर दोस्तों, शहाबुद्दीन के निधन के बाद से RJD से नाराज बताए जा रहे शहाबुद्दीन परिवार को मनाने के लिए पार्टी ने एड़ी चोटी एक कर दी है और ओसामा से विभिन्न पार्टियों के नेताओं का मिलने का सिलसिला जारी है। ऐसे में RJD डैमेज कंट्रोल में लगा है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव 2 बार सिवान यात्रा कर चुके हैं। वहीं RJD के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी 2 दिन पहले ओसामा से मिले। अब RJD के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद ने देर रात शहाबुद्दीन के बेटे से मुलाकात की। अगली खबर दोस्तों, राबड़ी देवी जी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। महिला होने के बावजूद क्या वो उत्तर प्रदेश की महिलाओं की दुर्दशा नहीं समझ पाई या फिर RJD को जातिवाद की राजनीति इतनी भाग गई कि आदिवासी के दर्द के साथ अन्याय करते गई, ये कहना है जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार का। नीरज कुमार ने नीतीश कुमार के महिलाओं के लिए किए गए कामों को बताते हुए लालू राबड़ी सरकार पर हमला बोला। साथ ही दोस्तों, JDU में बड़े फेरबदल के बाद अब JDU के नेता मोड चुनाव एक्शन मोड में। हम लोगों से संवाद करने के लिए हर मोर्चे पर JDU के नेता तैयारी कर रहे, फील्ड से लेकर कार्यालय तक लोगों से मिलने और सरकार के प्रति सकारात्मक सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार की योजनाओं को लोगों के बीच बताना और उसका सकारात्मक परिणाम के बारे में चर्चा करने का टास्क JDU नेताओं को मिला है। अगली खबर, जिले के गुरुआ पहाड़ी के ऊपरी पत्थरों के बीच युवक का शव बरामद हुआ है। पहाड़ी पर शव के मिलने की सूचना क्षेत्र में सनसनी फसर गई। इलाके के लोग शव को देखने के लिए पहुंचने लगे हैं और वही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। वहां पहाड़ी के रास्ते शव के करीब पहुंचने पर जुटी है। मृतक युवक की दोनों आँखें निकाल ली गई है और पेट पर भी जख्म के कई निशान हैं।
अगली खबर दोस्तों सिवान के पचरुकी थाना इलाके के जसौली में रास्तों के विवाद को लेकर देर रात दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुई और इनमें से दो को गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और छानबीन में जुटी है। पुलिस के अनुसार जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। दोनों ओर से कुछ लोग खास लोगों से पूछताछ की जा रही है। अगली खबर दोस्तों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसंख्या पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने खास अंदाज में जवाब दिया है। राज्य जो करना चाहे वो करे और खास बात यह है कि नीतीश की इस राय पर बिहार भाजपा के दो हिस्सों में बट्टी दिख रही है। गिरिराज सिंह ने यूपी की जनसंख्या नीति की जमकर तारीफ की है तो सुशील मोदी ने नीतीश कुमार की राय का साथ दिया। अगली खबर दोस्तों जम्मू कश्मीर और इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद अब पटना हाईकोर्ट में राज्य की सभी अदालतों में फिजिकल सुनवाई शुरू करने के संबंध में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका वेटर्नस फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ नामक एक गैर सरकारी संगठन ने दायर की है। याचिका में कहा गया कि राज्य में संक्रमण के मामले घट गए और ऐसे में कोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू होनी चाहिए। दोस्तों बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। आपने ब्रेकिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों इसी उम्मीद के साथ अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।